इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर पाकिस्तान से आ रही है। बता दें आपको कि पाकिस्तान ने अभी अभी कर दिया है हमला, और इस हमले में आर्मी के जवान के साथ साथ कुछ सिविलियन भी मारे गए हैं, और जिसके कारण पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है अब सबसे बड़ा दबाव। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें आपको कि जैसे ही भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मीटिंग खत्म हुई, वैसे ही पाकिस्तान ने कर दिया हमले का ऐलान। बता दें कि इस हमले के कारण पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल अब प्रेशर झेलना पड़ रहा है, और दोबारा हमले का जो एक संकट गहराया हुआ है पाकिस्तान पर, इन सभी से निपटने के लिए उसने चीन का दरवाज़ा खटखटा दिया है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि चीन भी अब इस युद्ध में कूद पड़ा है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। सीधा रुख करेंगे, ले चलेंगे आपको उस खबर के पास जहाँ पर ये सारी घटनाएँ हुई है। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दरअसल बता दें कि जैसे ही भारत में पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का मीटिंग खत्म हुआ, वैसे ही पाकिस्तान ने अपने यहां पर टीपीपी के लड़ाकों के खिलाफ हमले का ऐलान कर दिया। इस हमले में टीपीपी के कई आर्मी के जवान मारे गए हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर उनका कैंप था कुछ सिविलियन के भी मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारत का दबाव पाकिस्तान की विदेश मंत्री पर ना पड़े, इसलिए उसने मीटिंग खत्म होने का इंतज़ार किया। और जब इस बात को लेकर के, क्योंकि सिविलियन भी मारे गए हैं, जब प्रेशर बनना शुरू हुआ तो बताया जा रहा है कि चीन भी इस युद्ध में कूद पड़ा है, क्योंकि चीन ने दावा किया है कि उसके भी कुछ नागरिक, सैनिकों और इंजीनियर को टीपीपी ने मार गिराया था जब वो पाकिस्तान में विकास का कार्य कर रहे थे। अब इन सभी चीज़ों के बाद चीन का सपोर्ट मिल चुका है।